ये वही बिहार है जिस बिहार को देश भर में लोग केवल मजदूर सप्लाई के रूप में देखते हैं। इस बिहार की परिभाषा बदल रही है जब आज ये बिहार देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने की उड़ान को लेकर आगे बढ़ रहा है और बिहार को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ाने की जो सोच हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने रखी, मैं उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से इस बजट के समर्थन पे यहाँ खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदया, जहाँ इस बजट में युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को सशक्त करने का प्रयास किया गया है, वहीं सभापति महोदया, इस बजट ने देश के पिछड़े राज्यों में जो हमारा प्रदेश बिहार है उसको विकसित राज्यों के बराबर खड़े होने की जो ताकत दी है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदया, जब बिहार को विशेष पैकेज दिया जा रहा था तो मैं इस बात को देख रहा था जहां विपक्ष के अन्य प्रदेशों के हमारे वरिष्ठ सांसद इसका विरोध कर रहे थे, वहां मुझे इस बात को लेकर बड़ी चिंता हुई कि हमारे बिहार प्रदेश के भी विपक्ष के सांसद इसका विरोध क्यों कर रहे थे, ये समझ से परे है। सभापति महोदया, ये वही बिहार है जिस बिहार को देश भर में लोग केवल मजदूर सप्लाई के रूप में देखते हैं और जब आज इस बिहार की परिभाषा बदल रही है, जब आज ये बिहार देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने की उड़ान को लेकर आगे बढ़ रहा है और इस उड़ान को पंख देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कर रहे हैं, तो किस तरीके से विपक्ष के सांसद महोदय इसका विरोध कर रहे हैं, यह स्पष्ट करता है कि इनको बिहार से और बिहारियों से कोई लगाव नहीं है, इनको मतलब केवल और केवल राजनीति करने से है। इसीलिए ये बिहार के वो मिले हुए इस पैकेज का विरोध कर रहे हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस बजट में 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किया गया, जिस तरीके से विगत 10 वर्षों में 4 करोड़ पीएम आवास के माध्यम से जो आवास आवंटित किए गए वो ज्यादातर महिलाओं के नाम पर आवंटित किए गए, इस बजट में कृषि से संबंधित क्षेत्र के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया, जहां इस बजट में विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और एमएसएमई के माध्यम से युवाओं को न केवल स्किल डेवलपमेंट बल्कि उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया गया। और सबसे सुखद कि इस बजट में प्रधानमंत्री जी के पैकेज के अंतर्गत 5वीं योजना के रूप में हमारी सरकार ने 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए जो जोड़ने का व्यापक यह अभियान चलाया है, इसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूं कि जहां ये बिहार जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से वहां से शिक्षा के जगत में पूरे विश्व भर में जाना जाता था, आज बीच के कुछ कालखंडों में 2005 के पहले की यदि बात कहूं तो कुछ कालखंडों में ये देखा गया कि न केवल बिहार से लोग बाहर मजदूरी के लिए पलायन कर रहे थे बल्कि व्यापारी वर्ग भी बड़ी आबादी में पलायन कर रहा था। आज ये सौभाग्य है कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बिहार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है,
जिस तरीके से बिहार में पलायन रुक रहा है और उद्योग की संभावनाएं बढ़ रही है, बिहार को मिले इस विशेष पैकेज से ना केवल एक्सप्रेसवे बनेंगे, ना केवल एयरपोर्ट और अस्पताल बनेंगे, बल्कि उद्योगीकरण के लिए भी बिहार अब अपने आप को अग्रतर आगे बढ़ा रहा है। और जब उद्योग लगेंगे तो बिहार के लोग बिहार में ही रोजगार करेंगे। मैं साथ ही साथ सभापति महोदया आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, विपक्ष के हमारे बहुत सारे साथी बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और वो शब्द हिंदुओं को हिंसक कहने की बात हो, चाहे वो प्रभु राम के बारे में कहने की बात हो। मैं सभापति महोदया, मैं बिहार से आता हूँ, माँ सीता की धरती से आता हूँ और हम लोग प्रभु राम पर, पुरुषोत्तम प्रभु राम के दिए हुए बताए गए मार्गदर्शों पर चलने वाले हम लोग हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, जो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, अगर आपको हिंदू और राम की परिभाषा जाननी है तो मैं सिर्फ चार पंक्ति से आपको परिभाषा बताना चाहता हूं। शांतम शाश्वतम प्रमेयम नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रेशम निशम वेदांत वेगम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुर गुरुम माया मनुष्यम वंदे हरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इसका अर्थ है कि हमारे प्रभु श्री राम शांत है, सनातन है, सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं और यही परिभाषा हमारे प्रभु राम की है और यही परिभाषा हिंदू की है। हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू शांत है और बिहार सबको लेकर साथ चलने की परिभाषा पर विश्वास रखता है। मैं यही उम्मीद करता हूं आप सबसे भी, सभी प्रदेश के हमारे विपक्ष के साथी से भी, कि आप प्रगति करें, इससे बिहार को कोई कोताही नहीं है, इससे बिहार को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बिहार भी जब पिछड़ेपन से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी बिहार की ओर अपनी निगाह सकारात्मक रखें। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने बिहार को विशेष पैकेज दिया, मैं फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए और बिहार को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ाने की जो सोच हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने रखी, मैं उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।